हेलो बच्चों, आई होप यू आर वेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.2 क्लास 12th एनसीईआरटी एग्जांपल सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एग्जांपल सेकंड है और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, वेरीफाई दैट द इक्वेशन या फिर फंक्शन, आप कह लें द फंक्शन वाई दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर -3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स -6y दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो चीजें गिवन है, एक तो हमें ये इक्वेशन गिवन है जिसको यहाँ पर फंक्शन बोला हुआ है। ठीक है, ये तो बच्चों हमें एक इक्वेशन गिवन है और ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और हमने ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमने बच्चों ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बच्चों इस सबको मैं यहाँ पर अप कर देता हूँ और आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो बच्चों हमें इक्वेशन गिवन है हम वो भी लिखते हैं, और साथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हम वो भी लिखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ देखेंगे, हेयर हमें जो बच्चों इक्वेशन गिवन है वो है वाई दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर -3x। ओके, इसको बच्चों कह लेते हैं से वन। ओके, एंड बच्चों हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है एंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स -6y दिस इज इक्वल टू 0 से 2। ओके बच्चों, अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को y दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -3x को सॉल्व करना है। सॉल्व करने बच्चों मतलब ये है कि हमने इसको जिस जिस डेरिवेटिव की हमें रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर बच्चों हमें दो डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है और सेकंड हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है बच्चों, 1/1। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ नाउ डिफरेंशिएट वन बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर क्योंकि तो हमें यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वहां पर डिनोमिनेटर में डी एक्स प्रेजेंट है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर डेरिवेटिव किया हुआ है। ठीक है, दोनों में, सेकेंड ऑर्डर में भी और फर्स्ट ऑर्डर में। ओके, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर, जब बच्चों हम वाई को डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -3x को बच्चों हम डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा। देखिए बच्चों एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है, एक्सपोनेंशियल अगर एक्स हमारे पास होता है, एक्सपोनेंशियल बच्चों अगर एक्स हमारे पास हो तो उसका जो डेरिवेटिव बच्चों होगा रिस्पेक्ट टू एक्स वो एक्सपोनेंशियल एक्स ही होगा। उसी तरह बच्चों यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल -3x है इसका भी डेरिवेटिव बच्चों यहाँ पर -3x ही होगा, लेकिन साथ में जैसे कि यहाँ पर x प्रेजेंट है फिर बच्चों बाद में जो ये x का हम डेरिवेटिव करते हैं बाय चेन रूल, तो बच्चों ये x का जो डेरिवेटिव होता है dx dx आपस में कट जाता है, मतलब कि 1 बचता है, तो ये एक्सपोनेंशियल x ही बचता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर -3x है तो जब बच्चों हम -3x को विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल बच्चों हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों एक्स का जो यहाँ पर डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा। ठीक है, और -3 बच्चों हमारा -3 * 1 हमारा -3 ही बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -3 बच्चों हम आगे लिख लें क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर है और एक्सपोनेंशियल -3x। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ओके एंड एंड ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो बच्चों हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है
उसका जो बच्चों ये रिजल्ट आया है इसको बच्चों हम अगेन इसी को बच्चों हम डेरिवेटिव कर देंगे, तो वही हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर -3 है जो कि कांस्टेंट है, ओके। अब बच्चों हम दोबारा ये एक्सपोनेंशियल -3x को डेरिवेटिव करेंगे, तो बच्चों देखो वैसे ही बनेगा कि एक्सपोनेंशियल -3x का ये वैसे ही बन जाएगा, और बच्चों -3x का जो अगेन डेरिवेटिव जो होगा बाय चेन रूल वो बच्चों हमारे पास 3 बन जाए, ठीक है। तो ये देखो बच्चों हमारा क्या बनेगा, माइनस माइनस हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा बच्चों एंड 3 3 9 बन जाए, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल -3x हमारा एज इट इज यहाँ पर ऐसे होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें यहाँ पर 2 गिवन है उसमें हमें किस किसी चीज की जरूरत है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है, और बच्चों यहाँ पर ये वाई की जरूरत है। तो बच्चों ये 3 चीजें हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों हमें यहाँ पर वाई भी हमारे पास यहाँ पर पहले से मौजूद है, डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों हमने फाइंड कर लिया, और डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बच्चों हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें आगे क्या करना है, ठीक है। आगे बच्चों हम जो यहाँ पर इक्वेशन है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y = 0, इसमें बच्चों ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे इसको यहाँ पर कि नाउ नाउ पुट वैल्यूज वैल्यूज ऑफ वाई ओके डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इन इन आंसर 2, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर 2 को लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, 2 को बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 हमारे पास क्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड -6y = 0, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पर पुट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, हम यहाँ पर बच्चों लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बच्चों हम चेंज करते हैं, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा 2 है। अब बच्चों इस 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बच्चों ये रहा, ठीक है। यहाँ बच्चों मैं डालूंगा इम्प्लाइज का साइन, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लिख दूंगा एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों ये जो फॉर्म है मैं यहाँ पर लिख दूंगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ओके एंड माइनस एंड प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड -6y, ठीक है बच्चों, मैं कुछ ऐसा यहाँ पर कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो बच्चों देखो ये हमारे पास हो जाएगा। अब बच्चों ये सारी वैल्यूज में यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 9 एक्सपोनेंशियल -3x, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल की पावर -3x, ओके। एंड बीच में बच्चों यहाँ पर प्लस है। अब बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स की बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो ये बच्चों वैल्यू हमारे पास थी -3 एक्सपोनेंशियल की पावर -3x, और बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वो है एक्सपोनेंशियल की पावर -3x। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ लिख देंगे -3 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -3x, ठीक है, एंड माइनस, और बच्चों देखो 6 यहाँ लिखेंगे, और y की वैल्यू जो बच्चों हमारे पास क्या आती है, एक्सपोनेंशियल की पावर -3x, ओके। देखो बच्चों ये सारी हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, 9 एज इट इज एक्सपोनेंशियल की पावर -3x ओके प्लस माइनस माइनस एंड 3 एक्सपोनेंशियल की पावर -3x एंड माइनस 6 ओके एक्सपोनेंशियल की पावर -3x ओके। अब देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर देखो बच्चों हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर -3x एक्सपोनेंशियल पावर -3x एक्सपोनेंशियल पावर -3x ये सब में है, ठीक है। तो बच्चों हम ये एक्सपोनेंशियल की पावर -3x है जो वो इन सब में से जितनी भी टर्म्स है बच्चों यहाँ पर 1 2 3 इसमें से बच्चों हम निकाल देंगे कॉमन। ये देखिए बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, 9 -3 -6 ओके। अब देखो बच्चों 9 -3 हमारे पास बच्चों क्या होता है, 6 होता है,
और 6 माइनस 6 बच्चों हमारे पास 0 बन जाएगा। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 माइनस 3 जो बच्चों हमारे पास होगा वो होगा 6 एंड 6 माइनस 6 बच्चों हमारे पास 0 बन जाएगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर -3 एंड मल्टीप्लाई विद 0। और बच्चों किसी भी नंबर को किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों को 0 ही बनेगा। तो बच्चों ये हमारा जो ये राइट हैंड साइड था, ये जो बच्चों हमारा देखो इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड था इसके बच्चों इक्वल आ चुका है, ठीक है, 0 बन चुका है हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। और बच्चों साथ में यहाँ लिख देंगे नीचे हम, यहाँ बच्चों हमने वेरीफाई करना था तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कि हेंस वेरीफाई, ठीक है बच्चों, हमने क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह करना है, हेंस वेरीफाई। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। सिंपल बच्चों आपने जो जो एलिमेंट हमें बोले गए हैं, जो चीजें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में बोली हैं कि सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और जो वाई की वैल्यू, वो बच्चों हमने गिवन इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर पता कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है, उसमें पुट कर देनी है। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आपने पिक करना है उसमें पुट करनी है, वो जब राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो बच्चों ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ स्टेटमेंट में क्या था कि हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल 2 बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल 3, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, थैंक यू। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जांपल 3 है, स्टेटमेंट वेरीफाई दैट द फंक्शन वाई दिस इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों हमें सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है और हमने ये बताना है कि ये वेरीफाई करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बच्चों हमें जो गिवन है, ये जो बच्चों हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, ये इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे बच्चों हमने फर्स्ट एग्जांपल करिए, मतलब कि एग्जांपल जो सेकंड करिए इससे प्रीवियस, बच्चों सेम प्रोसीजर से हमने इस क्वेश्चन को भी करना है। देखें इसका बच्चों मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने एग्जांपल सेकंड देखी है तो आपके लिए क्वेश्चन काफी ईजी होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो चीजें हमें गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हेयर वाई दिस इज इक्वल टू ए कॉस एक्स एंड प्लस बी साइन एक्स, ठीक है बच्चों। हमें एक बच्चों इक्वेशन ये गिवन है तो से वन, एंड सेकंड बच्चों हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वो है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड प्लस वाई दिस इज इक्वल टू जीरो से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2। अब देखें बच्चों हमने क्या करना है कि नाउ हमने इक्वेशन को पिक करना है फ्रॉम 1 और इसको हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन 1 both sides with respect to x। तो सबसे पहले हमने यहां पर इस इक्वेशन नंबर 1 को both side लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। तो ये हमारा बन जाएगा dy upon dx and this is equal to, और a हमारा कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए साइन x, ओके। एंड प्लस b बच्चों हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो हम यहाँ लिखेंगे b cos x, ओके। उसके बाद हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस ए, अब हमने अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन डेरिवेटिव करना है,
तो माइनस ए बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा कॉज एक्स। तो यहां पर हम लिख देंगे ए प्लस कॉज एक्स एंड देन बी हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट हम यहां पर लिख देंगे बी माइनस साइन एक्स। ओके तो हमारा ये बन जाएगा। ओके अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है सेकंड और डेरिवेटिव की, इसको हमने यहाँ पर पुट करना है इस इक्वेशन नंबर टू में, और इस वाई की वैल्यू को भी हमने यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे कि नाउ पुट या फिर पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर and y in left hand side of 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो second equation है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं student d square y upon d x square। okay और यहाँ पर I think था plus y this is equal to 0। एक बार बच्चों मैं इसको check कर लेता हूँ। okay हमारे पास यही था, और यहाँ पर देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर डालना है इम्प्लाइज का साइन और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें पुट करना है। तो यहाँ पर डालेंगे इम्प्लाइज का साइन और यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और यहाँ पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड प्लस वाई हमने पुट किया एंड दिस इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आई है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की, वो बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देंगे माइनस ए कॉस एक्स एंड माइनस बी साइन एक्स। ठीक है उसके बाद हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वाई की वैल्यू हमारे पास थी ये है पॉजिटिव ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसको हम पुट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है प्लस ए चेक कर लेता हूँ, प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एंड प्लस बी साइन एक्स। ओके उसके बाद देखें यहाँ पर माइनस ए कॉस एक्स से प्लस ए कॉस एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस बी कॉस एक्स से हमारा ये प्लस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स से प्लस बी साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बचेगा जीरो, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुका है इक्वेशन नंबर टू में, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि जो राइट हैंड साइड थी क्वेश्चन नंबर टू में वो क्या थी जीरो थी, वो क्या थी बच्चों जीरो थी, राइट हैंड साइड हमारी क्या थी जीरो थी, हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गया जीरो आ गया। तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हेंस वेरीफाई। ठीक है तो ये हमने बच्चों सेकंड जो एग्जांपल है हमारी एग्जांपल थ्री जो कि सेकंड एग्जांपल है इस एक्सरसाइज 9.2 की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो हम आगे करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।